लॉ इज द विजडम ऑफ एजेस रैप्ड इन द ओपिनियन ऑफ मोमेंट्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट अंडर सीपीसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनहेरेंट पावर्स क्या होता है। तो बेसिकली इनहेरेंट पावर जो है वर्ड, इसका ना स्कोप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसका जो एम्बिट है वो काफ़ी बड़ा है। तो अब हमें ये जानना होगा कि भाई ठीक है, सबका हर ऑब्वियसली बात, अगर एम्बिट बड़ा है मतलब इसका यूज़ हर अलग अलग वे में किया जा सकता है, लेकिन लीगल वे में इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लीगल वे में इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पावर्स जो कि कोर्ट से इनसेपरेबल होते हैं, बट किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। जस्टिस को प्रोवाइड करने में जो भी पावर्स यूज होते हैं और जो इनसेपरेबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट पावर्स। अब चलिए हम बढ़ते हैं किधर, देखते हैं इससे प्रोविजन जो इसके रिलेटेड है। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, सबसे पहला प्रोविजन है सेक्शन 148 में। क्या बोलता है वो, बात करता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि भाई जो अपना कोड है ना, उसके अंदर कुछ एक्ट्स हैं जिसके लिए ना टाइम बीइंग दे रखा है, मतलब कि इतने टाइम के अंदर ही आपको वो काम कर लेना है, उतने टाइम के अंदर ही वो काम आपको कर लेना है। या आपको कहीं पे मान लीजिए अपील फाइल करना है, एप्लीकेशन लिख कर ये करना है, कॉपी सबमिट करनी है प्लेंट की, तो सबके लिए टाइम दे रखा है कि इतने टाइम के अंदर कर लेना चाहिए आपको। लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है, किस चीज़ का पावर, कि भाई अगर वो एक जो टाइम है वो तुमने एक्सटेंड कर दिया है तो उसके बाद भी तुम्हें वो ग्रांट कर दे कि ठीक है भाई तुमने टाइम जो था उससे ज़्यादा तुमने समय ले लिया, मैं तुम्हें 7 दिन का और टाइम देता हूँ। मतलब उसके पास पावर है कि जो टाइम दिया हो उससे ज़्यादा किसी को टाइम दे सके, अगर उसको वो चीज़ सही लगता है तो। वो सिचुएशनल बेसिस है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इसको और टाइम की ज़रूरत है इस चीज़ को कंप्लीट करने में, कोई एक एक्ट करने के लिए, तो उसको दे सकता है। लेकिन उसका पार्ट कितना तक रहना चाहिए, वो 30 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितने दिन से ज़्यादा, 30 दिन से ज़्यादा किधर एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब अगला कौन सा है, अगला है सेक्शन 149। वो क्या बात करता है, वो बात करता है पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस की। तो क्या बोलता है पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस में, कि भाई अगर तुम्हें एक टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम के अंदर तुम्हें कोर्ट फीस जमा कर देनी थी लेकिन तुमने नहीं किया, तो यहाँ पे भी कोर्ट के पास पावर है कि भाई तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देता है कि चलो ठीक है तुमने अभी तक नहीं किया। क्योंकि कोर्ट फीस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक आपने उसमें नहीं किया, चाहे वो पार्टली हो होली हो, अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया कोर्ट फीस, तो कोर्ट के पास पावर है किस चीज़ का, कि भाई तुम्हें थोड़ा और टाइम दे दो ताकि तुम वो फीस को सबमिट कर सको। अब किधर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं सेक्शन 150 में। वो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ये उसका मतलब क्या हुआ, ये बोलता है कि कोई भी एक केस अगर कोर्ट ए से कोर्ट बी में रेफर होता है, तो कोर्ट ए के जो पावर्स हैं वो कोर्ट बी भी उसके पास वही सेम पावर्स होंगे और सेम ड्यूटीज भी होंगी परफॉर्म करने की, जो कोर्ट ए के पास पावर्स है सेम टू सेम पावर्स कोर्ट बी के पास भी होंगी और ड्यूटीज भी सेम ही होंगी, ड्यूटीज भी कुछ अलग नहीं होने वाली हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन कौन सा अपना, नेक्स्ट सेक्शन है अपना सेक्शन 151। वो किसकी बात करता है, वो बात करता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स की। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर कोई कोर्ट कोई एक ऑर्डर पास करती है किस चीज के लिए, ताकि जस्टिस प्रोवाइड हो सके, जस्टिस के एंड्स मीट हो सके, तो कोई भी इस कोड में कोई भी प्रोविजन उस पावर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, जो इनहेरेंट पावर्स हैं उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए केस लॉ देख लेते हैं। कौन सा केस लॉ भाई, गुजनवी वर्सेस अलाहाबाद बैंक लिमिटेड। और ये केस लॉ कब का है, ये केस लॉ है 1917 का। इस केस लॉ में क्या बोलता है कोर्ट, कोर्ट ये बोलता है कि भाई ये पावर्स को तब यूज किया जाता है जब जो कोड में प्रोविजंस हैं वो इनसफिशिएंट है। किस चीज के लिए इनसफिशिएंट, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तब जाके किस चीज को यूज किया जाता है, तब जाके यूज किया जाता है इनहेरेंट पावर्स को। अब अपना नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 152। वो किसकी बात करता है, वो बात करता है अमेंडमेंट्स ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर्स या डिक्रीज की। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि कोर्ट के पास पावर होता है किस चीज का, कि कोई भी अगर जजमेंट में रिटन या अर्थमेटिकल मिस्टेक हुई हो, रिटन या अर्थमेटिकल मिस्टेक हुई हो, तो उसको क्या करने का, उसको अमेंड करने का। और ये कोर्ट दो तरीके का कर सकता है, या तो खुद के मोशन से या तो किसी पार्टी के एप्लीकेशन के बाद, किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी हो तब जाके वो अमेंड कर सकता है इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, नेक्स्ट सेक्शन अपना लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 153। वो क्या बात करता है, जनरल अथॉरिटी टू अमेंड। मतलब कि कोर्ट के पास पावर है कि अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ भी
कुछ भी एरर होता है, कुछ भी एरर प्रोसीडिंग्स के तौर पर कुछ भी एरर होता है, या कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट किस चीज के लिए, ताकि जो इशू है केस का वो डिटरमाइन हो सके, जो इशू है केस का वो डिटरमाइन हो सके, ताकि पता चले हाँ भाई इस केस में इशू है वो, अगर मेरे किसी एक एरर को ठीक करने से हो रहा है तो इशू अगर पता चल रहा है तो वो करना पड़ेगा, वो जरूरी है, वो पावर है कोर्ट के पास। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच।